हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन 17 गिवन ऑन पेज नंबर 22। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन योर बुक। आप बुक खोलिए, पेज नंबर 22 पे लेसन 17 है। ओके, बॉडी एट वर्क। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ओके, नीचे आपको यहाँ पर देखिए, क्लूज में हेल्प बॉक्स में वर्ड्स आपको दिए गए हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के, जिनको यहाँ पर आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको उनका फंक्शन बताया गया है, उनके कार्य आपको बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पर फिलअप करने हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वन, द जॉब ऑफ आवर डैश सिस्टम इज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट गैसेस फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसका काम क्या है? ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वहाँ से जो वेस्ट गैसेज हैं उन्हें रिमूव करता है। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे आप देख लीजिए ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पर किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम क्या होता है? टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस वेस्ट गैसेस। ये ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वहाँ से जो वेस्ट गैसेस होती हैं उन्हें वो बाहर निकालता है। तो यू हैव टू फिल योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सेकेंड वन, आवर डैश सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या है? ये प्रणाली हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन हैं उन पर इसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका प्रणाली है, आवर नर्वस सिस्टम। आप देख लीजिए, नर्वस सिस्टम में ये कंट्रोल सेंसेशन, थॉट, मूवमेंट एंड वर्चुअली ऑल अदर बॉडी एक्टिविटीज़। यानी जितने भी आप देख लीजिए, ये नर्वस सिस्टम आपको दिखाया गया है, यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं इन सभी पर कंट्रोल किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं, कुछ भी होता है, उस पर सभी पे कंट्रोल किसका होता है? नर्वस सिस्टम का, जिसे हम तंत्रिका प्रणाली भी कहते हैं। ओके, सो यू हैव टू फिल योर नर्वस सिस्टम। थर्ड वन, आवर डैश सिस्टम सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण प्रणाली। ठीक है, तो ये संचरण करता है ब्लड का, पूरे शरीर में ब्लड का पहुंचाने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। नाउ यू कैन सी हियर, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड कैरीज अवे वेस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरे शरीर, पूरे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है वो उनको सप्लाई करती है, और जो वेस्ट होता है उसे वो बाहर करती है। ठीक है, तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाती है। नेक्स्ट वन, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज आर थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आवर बॉडी हैज। तो वेन्स मीन्स क्या होता है? नसें, आर्टरीज धमनियाँ और कैपिलरीज ये कोशिकाएँ होती हैं, जो तीन प्रकार के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारे शरीर में होते हैं। यहाँ पर आप क्या भरेंगे? आर्टरीज मीन्स धमनियाँ। एंड फिफ्थ वन, आवर डैश सिस्टम गिव्स अ डेफिनेट शेप टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को एक निश्चित आकार इस प्रणाली के द्वारा मिलता है। तो कौन सी प्रणाली है ये? स्केलेटल सिस्टम। आप जानते हैं पूरा बॉडी, ये आप देख लीजिए संरचना है, इसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और ये हमारे शरीर को एक स्वरूप, एक आकार प्रदान करती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल
ऑर्गन्स, जो भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है, साथ ही हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करती है। आप जानते हैं कि हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और उसी के ऊपर हमारी जो बॉडी है वो होती है, ठीक है। तो पूरा ये आधार इसी से बनता है, स्केलेटल सिस्टम से। तो यू हैव टू फिल हियर स्केलेटल, ओके। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू फिल 1 to 5 sentences, okay? And tomorrow I will give you rest one. Thank you.